बॉलीवुड की चकाचौंध दुनिया में बहुत से सितारे किस्मत आजमाने के लिए आते हैं। सुशांत सिंह राजपूत भी यहाँ चमकने आए थे। सितारों से भरी बॉलीवुड की इस गैलेक्सी में उन्होंने अपनी जगह और पहचान भी बनाई। किसी को अंदाजा नहीं था कि सुशांत अंदर से इतने अशांत थे कि मौत का रास्ता चुनेंगे। करोड़ों दिलों के हीरो सुशांत फांसी के फंदे पर झूल गए। 34 साल की उम्र में जिंदगी से ऐसे रूठे कि हर कोई सदमे में है। करोड़ों फैंस, बॉलीवुड के सगे साथी और परिवार के लोग, बॉलीवुड में सुशांत अकेले नहीं है जिन्होंने मौत का रास्ता चुना। उनसे पहले भी कई सितारे आत्महत्या कर चुके हैं। पिछले दिनों टेलीविजन एक्टर मनमीत ग्रेवाल ने 15 मई को खुदकुशी कर ली। मनमीत के सुसाइड के कारणों के पीछे उनकी पिछली पेमेंट न मिलने के चलते सामने आई आर्थिक परेशानी थी। लॉकडाउन की वजह से उन्हें काम नहीं मिल रहा था। इसी साल ही फरवरी में अभिनेत्री सेजल शर्मा ने खुदकुशी कर ली है। सेजल के 7 लाइन के सुसाइड नोट में कहा गया था कि मैं पिछले 2 महीने से डिप्रेशन से गुजर रही हूँ। मैं अपनी निजी जिंदगी से परेशान हूँ। मेरी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। मेरी मौत के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ। मम्मी, पापा, भाई, आप अपना ख्याल रखना। मुझे माफ कर देना कि मैंने ये फैसला लिया, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। पिछले दिनों टीवी और बॉलीवुड एक्टर कुशल पंजाबी ने भी आत्महत्या कर ली थी। कहा जाता है कि कुशल को काम नहीं मिल रहा था और वो आर्थिक परेशानी झेल रहे थे। वही उनकी वाइफ से तलाक होने वाला था। कुशल पंजाबी ने नवंबर 2015 में अपनी यूरोपियन गर्लफ्रेंड से शादी की थी। दोनों का इस शादी से एक बेटा है। छोटे पर्दे के मशहूर एक्टर राहुल दीक्षित ने आत्महत्या कर ली थी। राहुल दीक्षित ने 30 जनवरी 2019 को खुदकुशी की थी। 28 साल के राहुल मुंबई में रहते थे। उनका शव फंदे से लटका हुआ मिला। बताया जाता है काम न मिलने की वजह से उन्होंने जान दे दी थी। मुंबई के पौश इलाके ओशीवारा लोखंडवाला में गुरुवार 29 अगस्त 2019 की रात पर्ल पंजाबी ने टेरेस से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पर्ल फिल्म इंडस्ट्री में पैर जमाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कामयाब ना हो पाने की सूरत में नौकरी करने लगी थी। बॉलीवुड और टीवी की दुनिया में काम न मिलने से उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। 1 अप्रैल 2016 को प्रत्यूषा बैनर्जी ने आत्महत्या की थी और उस दौरान वो सिर्फ 25 साल की थी। टीवी सीरियल बालिका वधु में आनंदी का किरदार करने वाली एक्ट्रेस प्रत्यूषा बैनर्जी बहुत पॉपुलर थी। प्रत्यूषा अपने मुंबई वाले घर में मृत पाई गई थी। उन्होंने पंखे से लटक कर आत्महत्या की थी। ऐसे में प्रत्यूषा को अस्पताल भी ले जाया गया था, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। प्रेम में असफल होने पर प्रत्यूषा ने जान दे दी थी। मॉडल और अभिनेत्री नफीसा जोसेफ ने अपने अपार्टमेंट में 29 जुलाई 2004 को फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली थी। वो इस बिल्डिंग में तीसरे माले पर रहती थी। उस वक्त नफीसा के घर वालों ने पुलिस के आत्महत्या बताने पर यकीन नहीं किया था। नफीसा 1997 में मिस यूनिवर्स की फाइनलिस्ट में से एक थी। मौत के वक्त उनकी उम्र 26 साल थी। मॉडल और एक्ट्रेस कुलजीत रंधावा ने साल 2006 में ऐसा कदम उठाया था। उन्होंने रिश्ते, आहट, सरहदे, कहता है दिल, कुमकुम, एक प्यारा सा बंधन, कोहिनूर जैसे सीरियल्स में काम किया था। बॉलीवुड में काम न मिल पाने से वो परेशान हो गई थी। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि मैं जिंदगी के प्रेशर को और ज्यादा नहीं झेल सकती, इसलिए अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला किया है। वो अपने समय की जानी मानी एक्ट्रेस थी। निशब्द और गजनी में नजर आई एक्ट्रेस जिया खान की सुसाइड की खबर से पूरे बॉलीवुड को धक्का लगा था। जिया ने अपने घर में फंदे से लटककर 25 साल की उम्र में जीवन लीला समाप्त कर ली थी। वहीं जिया की मां राबिया खान ने इसे सुसाइड न मानकर मर्डर करार दिया था। उन्होंने एक्टर आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली को इस सुसाइड की वजह बताया। बता दें, जिया की मौत तक सूरज और जिया एक दूसरे से प्यार करते थे।